घर पे तो बस बर्तन धोए, खाना बनाया और कपड़े धोए। जाओ बाहर मेरे लिए पानी लेके आओ। मुझे स्टोव से बने हुए बेड पे लेटे लेटे बहुत पसीना आ रहा है। इन्हीं लिया फिर नदी की तरफ गया। उस जाते जाते सोच लिया कि मैं नदी की तरफ जा ही रहा हूँ तो कुछ मछलियाँ भी पकड़ लेता हूँ, मेरी पत्नी खुश हो जाएगी और मुझ पे चिल्लाना बंद कर देगी। और फिर उसने बाल्टी को पानी में डाला और बोला, काश ओ काश एक मछली पकड़ लो, काश छोटी हो या मोटी, पर एक भी मछली नहीं फंसी। इमिलिया ने हार नहीं मानी, वो फिर से गया झील के तरफ और उसने बाल्टी को पानी में डाला और फिर भी मछली नहीं फंसी। तो उसने फिर से कोशिश की, उसने अपने मिटन सितारे हाथ के और अपना हाथ पानी में डाला। तभी उसे लगा कि उसके हाथ को कुछ लगा है। उसने हाथ बाहर निकाला तो वो एक पाइप थी। उसने उसके हाथ को काट लिया था। उसने उसे अपने दूसरे हाथ से हटाया और फिर से झील में फेंक दिया, क्योंकि वो कुछ उल्टा सीधा कर देती तो वो घर की तरफ दौड़ी और उसने अपनी वाइफ को बताया कि उसके साथ झील किनारे क्या हुआ था। उसकी वाइफ बोली बोली हाँ कि मैं क्या तुम्हारी ये झूठी कहानी मान जाओगी, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। और ऐसे कह के उसे एक जूता मारा और इमिलिया को गुस्सा आया बहुत। और वो पाइक ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें मैं तुम्हारी तीन विश पूरी कर सकता हूँ, अगर तुम्हें अपनी विश पूरी करनी है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ये मंत्र, वो पाइक ने कहा था झील किनारे। उसने बोला था पाइक की इच्छा और मेरे हुक्म से, और फिर एक ये बोलना और वो सच हो जाएगा, ऐसा उस पाइक ने उसे कहा था। वो इंसानी आवाज में बोल रहा था उसे। और इमिलिया फिर वो कही कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होता। तो उसने कहा पाइक की इच्छा और मेरे हुक्म से, बाल्टिया तुम खुद घर आ जाओ। तो वो सच हो गई, बाल्टिया खुद घर आ गई और उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि कि तुम्हारी बात सच निकली, पर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, ऐसे उसकी पत्नी ने कहा। फिर उसने बोला कि मुझे शॉपिंग मॉल भेज दो। अब तो फिर उसने सोचते सोचते सोचा कि मैं अब शॉपिंग मॉल भी जा सकती हूँ बिना मेरे प्यारे बेड से उतरी। तो उसने एक और विश मांग ली, इमिलिया ने और एक विश मांगी। इमिलिया ने फिर एक और विश मांग ली, ऐसी विश कि पाइक की इच्छा और मेरे हुक्म से मेरी पत्नी को मॉल ले जाओ। तो वो सच हो गया, उसका प्यारा स्टोव पहले उसका प्यारा स्टोव यानी बेड पहले धुआं निकालता है और वो एक ट्रेन की तरह चले जाता है उसको लेके। जब वो आती है तो इतने बन ठन के आती है कि इमिलिया उसे पहचान भी नहीं पाता है। तो उसके बाद में उसकी इमिलिया की लास्ट विश, तो उसने कहा उसकी पत्नी ने कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरी तारीफ करें इस मामले कि मैं समुंदर की रानी हूँ। फिर इमिलिया ने सोचा आखिर इसका मतलब क्या है, अगर तुम मछली बन जाओगी तो क्या मुझे भी मछली बनने की विश मांगनी पड़ेगी।
मछली बना दो, और वो मछली बन गए। इस तरह से वो इमिलिया के घर पे एक एक्वेरियम में रहने लग गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है जो हमारे पे असर होने वाला होता है तो उसका मतलब हमारे करीबों पे असर क्या हो सकता है उसका। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज हम ट्राई करने जाते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है, हमें पहले सोच भी लेना चाहिए।